सब्सक्राइब कीजिए शर्मा फोर टेक्निकल को और दबाए इस बेल आइकन को लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। हेलो फ्रेंड्स, मैं वरुण आप सभी को स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल शर्मा फोर टेक्निकल में। सो फ्रेंड्स, आज इस वीडियो हम आपको बताने वाले हैं पीएफ केवाईसी करने के लिए। अगर आप पीएफ अकाउंट में अपना बैंक केवाईसी करना चाहते हैं तो किस प्रकार से करेंगे, आपको इस वीडियो में पूरा जानकारी मिलेगा। और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कीजिएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, आपको हम बैंक अकाउंट जोड़ने के लिए बताएंगे पीएफ अकाउंट में, तो किस तरह से जोड़ते हैं, तो चलिए इस वीडियो में बने रहिए। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे बैंक केवाईसी करने के लिए आपको सबसे पहले आपको अपने क्रोम ब्राउज़र को ओपन कर लेना है। आपके फ़ोन में जो भी ब्राउज़र है उसे ओपन कर लेना है। तो चलिए मैं यहाँ पे क्रोम ब्राउज़र यूज करता हूँ और यहाँ पे मैं क्रोम ब्राउज़र मैं ओपन कर लेता हूँ। यहाँ पे सर्च कर लेते हैं epfindia.gov.in लिखकर आपको सर्च कर लेना है। उसके बाद यहाँ पे केवाईसी अपडेशन मेंबर में जाना है। उसके बाद आपको यहाँ पे एक तीन बिंदु है, इस पर क्लिक कर देना है। यहाँ पे देखिए तीन बिंदु है, इस पर क्लिक करके उसके बाद यहाँ पे डेस्कटॉप साइट का एक ऑप्शन है, यहाँ पे आपको क्लिक कर देना है। उसके बाद देखिए आप यहाँ पे डेस्कटॉप साइट जो है कि ओपन हो गया है। उसके बाद आपका जो यूएनए नंबर है वो यहाँ पे इंटर कर देना है और पासवर्ड यहाँ पे इंटर करना है और ये कैप्चा जो लिखा है उसको यहाँ पे इंटर करना है। यहाँ पे साइन इन का एक ऑप्शन है, यहाँ पे साइन इन पे क्लिक कर देना है जिससे आपका जो है कि अकाउंट लॉगिन हो जाएगा। उसके बाद आप केवाईसी कर पाएंगे। चलिए मैं इसको भर के और साइन इन करके आगे का प्रोसेस बताता हूँ। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि हम जो है कि यहाँ पे यूएनए नंबर, पासवर्ड और कैप्चा डालकर जो है कि लॉगिन कर लिए हैं। और यहाँ पे देखिए आपको हम केवाईसी करने के लिए बताने जा रहे हैं। तो यहाँ पे आप यहाँ पर देख पाएंगे कि केवाईसी करने के लिए यहाँ पे एक मैनेज का ऑप्शन है। यहाँ पे इस मैनेज वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है और उसके बाद यहाँ पे केवाईसी का एक ऑप्शन, इस पर आपको क्लिक कर देना है। तो इस पर आप जैसे ही क्लिक कीजिएगा तो आपके पास यहाँ पे सारे यहाँ पे जो भी एक्टिवेट है वो सब कुछ यहाँ पे शो होने लगेगा। और यहाँ पे आप अगर नया करना चाहते हैं तो नया भी आप यहाँ पे कर पाएंगे। चलिए मुझे नया करना है बैंक अकाउंट, तो हम यहाँ पे बैंक पे क्लिक कर देंगे। उसके बाद बैंक अकाउंट नंबर डालेंगे, उसके बाद सबमिट कर देंगे। उसके बाद हमारे मोबाइल नंबर पे एक ओटीपी आएगा, ओटीपी इंटर करेंगे, उसके बाद ओके कर देंगे और हमारा बैंक जो है कि ऐड हो जाएगा और 24 घंटे के अंदर अप्रूवेड हो जाएगा। तो चलिए हम बैंक पे क्लिक कर देते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे बैंक केवाईसी करने के लिए हम यहाँ पे बैंक पे क्लिक कर देते हैं। उसके बाद आपको यहाँ पे बैंक अकाउंट का नंबर इंटर कर देना है, जो भी आपका बैंक अकाउंट जिस अकाउंट पे आप पीएफ आप निकालिएगा उस बैंक अकाउंट को यहाँ पे इंटर करना है। आपके पहले अकाउंट नंबर में अगर आपको दूसरा है और आप चाहते हैं कि हम एक नया अकाउंट नंबर इसमें डाल दें जिसमें हमारा पीएफ ऑनलाइन करने पे पीएफ आए, तो आप नया यहाँ पे बैंक अकाउंट इंटर कर सकते हैं। तो सेम प्रोसेस हमारा वही था, हमने पिछले वाले में हमारा कुछ दूसरा अकाउंट नंबर था जो अभी हमारे पास नहीं है और हम यहाँ पे नया बैंक अकाउंट ऐड करने जा रहे हैं। तो नया ऐड करने के लिए आप यहाँ पे देखिए बैंक अकाउंट नंबर, तो यहाँ पे बैंक अकाउंट नंबर इंटर कर देना है। उसके बाद यहाँ पे यही बैंक अकाउंट नंबर दोबारा यहाँ इंटर करना है, कंफर्म बैंक अकाउंट नंबर इस पर इंटर करना है।
और उसके बाद यहाँ पे आपका बैंक का आईएफएससी कोड क्या है उसको इंटर करना है। उसके बाद आपको यहाँ पे एक सेव का ऑप्शन है, सेव पे क्लिक कर देना है। सेव पे आप जैसे ही क्लिक कीजिएगा तो आपके एक मोबाइल नंबर पे ओटीपी आएगा, उस ओटीपी को आपको इंटर कर देना है। उसके बाद दोबारा से सेव पे क्लिक कर देना है, ओके का ऑप्शन आ जाएगा, ओके कर देना है। आपका बैंक जो है कि ऐड हो जाएगा और कुछ टाइम के लिए 24 घंटे बाद 48 घंटे तक वेट कीजिए, आपका जो है कि एक्टिवेट हो जाएगा, अप्रूवेट हो जाएगा। तो देखिए हम यहाँ पे किए हैं और यहाँ पे हम जो है कि ये अकाउंट नंबर हमारा रहा और हमने यहाँ पे किया था और यहाँ हमारा अप्रूवेट भी हो गया है। तो इस तरह से जो है कि आप बैंक KYC आप अपना PF अकाउंट में बैंक ऐड कर सकते हैं, तो आपको कोई परेशानी नहीं होगा। तो इस तरह से जो है कि बैंक KYC कर सकते हैं। अगर आपको कहीं परेशानी होता है तो आप हमें कमेंट कीजिए, मैं दोबारा से आपको। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में मैं आपको PF अकाउंट में बैंक KYC करने के लिए बताया हूं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता तो वीडियो को लाइक शेयर करना नहीं भूलिएगा और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कीजिएगा। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं फिर एक नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक लिए नमस्कार, बाय, जय हिंद।